नमस्कार, मधुबनी स्टेशन पे खाली डब्बे में लगी भीषण आग। बताते चले मधुबनी स्टेशन के 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन के कुछ खाली डब्बे खड़े थे। अचानक उसमें S3 में बहुत भीषण आग लग जाती है और देखते देखते पूरा डब्बा जल के राख हो जाता है। खबर है कि बहुत तेज़ आग थी जिसे डब्बे के S2 और S4 में भी काफ़ी हिस्सों में आग लग जाती है। वहीं बताते चले फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद होती है। बड़ी मशक्कत के साथ कोशिश की जा रही आग बुझाने की। सबसे बड़ी खबर है कि किसी की जान नहीं गई है। कुछ दिनों पहले ही एक एक्स्ट्रा डब्बा जो होता है उसे यहां लगाया गया था और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि पूरे स्टेशन में किस तरीके से अफरातफरी फैल गई जब ट्रेन के डब्बे में आग लगने की खबर स्टेशन पे लोगों को पता चली। और वहां पे आप देख सकते सभी लोग यहां पे वीडियो बनाई। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी की जान माल की खबर नहीं है। स्टेशन पे खड़ी स्वतंत्रता सेनानी के खाली डब्बे जो मधुबनी में है आग लग गई है। आपको बता दें फिर से मधुबनी स्टेशन पे स्वतंत्रता सेनानी के खाली डब्बे S3 में भीषण आग लगती है और डब्बा में काफ़ी पूरे हिस्से में जल जाती है। और वहीं S2 और S4 में भी आग लगने की बात आती है जिसमें काफ़ी हद तक जलने की खबर आ रही है। और वहां पे मौजूद फायर ब्रिगेड कोशिश कर रही है इस आग को बुझाने की। जब तक ये खबर हम चला रहे हैं तब तक ये खबर है कि आग पे काबू पाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और ये भी खबर पता चली है कि उच्च पदाधिकारी भी स्टेशन की तरफ जा रहे हैं कि आखिर ये आग कैसे लगी, किन कारणों से लगी और क्या ये शॉर्ट सर्किट है या कोई अंदर में किसी तरह की कोई गलत काम कर रहा था। सर, मधुबनी स्टेशन पर एक ट्रेन में आग लगी है, थोड़ा जानकारी देंगे इस संबंध में कैसे लग गई आग? 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, तो इसमें आदमी जो है बन के जाती है दिल्ली हम लोग, तो आदमी जो है शॉर्ट सर्किट से इसमें आग लगती है। ये जैसे खड़ी थी जी, यहाँ पर गाड़ी खड़ी थी, जैसे पता चला है यहाँ पर कि स्पेयर ट्रेन में इसका मतलब इस्तेमाल किया जाता है जी, स्पेयर ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, तो यहाँ पर मतलब यहाँ पर खड़ी रहती है, फिर सामने जाके स्वतंत्रता सेनानी बंद कर दी जाती है वहाँ नई दिल्ली। जैसे देख रहे हैं सर कि कुछ लोगों के बाद में पता चला है कि ये AC बोगी में आग लगे। स्लीपर में, स्लीपर AC है ना? नहीं, स्लीपर है, AC में नहीं लगी। क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई है? फायर ब्रिगेड को जैसे आग लगी वैसे हम लोग जो है सूचना दी गई, अभी तक जो है रास्ते में। फायर ब्रिगेड अभी लगभग कितने देर पहले आग लगी है? 7-8 मिनट पहले। सर अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम सर ओम शंकर कुमार है, हम जयनगर थाना जयनगर की टीम अपराध के लिए यहाँ पर दिया गया है। नमस्कार, हम आज मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं और यहाँ ट्रेन में आग लग चुकी है। और आपको बता दें कि ये स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन है और स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन में आग लग चुकी है। तो यहाँ आपको हम बता दें कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ट्रेन में आग लग चुकी है जिसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं। और अधिकांश बोगी में आग लग चुकी है। पहला बोगी से शुरुआत हुई थी तो अंत तक अब ये इसका आग का लपेट जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है। और ये स्वतंत्रता सेनानी जो आप लोग फटाफट जुड़ते जाइए और दिखाइए कि यहाँ मधुबनी स्टेशन पर जो आग लगी है ट्रेन में, उस ट्रेन का हम आपको सीधा सीधा प्रसारण मधुबनी रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं जहाँ ट्रेन की बोगी में आग लगी थी, पहली बोगी में। उसके बाद लगातार बोगी का जो आग की लपटें हैं वो बढ़ती जा रही है और इसका लपेट आगे वाली डिब्बा में भी आपको बढ़ती जा रही है। हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि आग का जो गर्मी है तो पब्लिक नहीं इसमें
जान माल की क्षति नहीं बल्कि जो सरकारी संपत्ति रेलवे है वो जलकर राख हो रही है। और यहाँ किस प्रकार की फायर ब्रिगेड काम कर रही है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी फायर ब्रिगेड अपने कामों में लगी हुई है। तो एहतियात के तौर पर लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, चूंकि ब्रश हो सकता है या कुछ भी ऐसा हो तो लोगों को पीछे थोड़ा हटना चाहिए। फायर ब्रिगेड को काम करने में सहयोग देना चाहिए। हम चाहेंगे पब्लिक से कि आप लोग पीछे हट जाइए, पीछे हट जाइए आप लोग, प्लीज आप लोग पीछे हट जाइए, फायर ब्रिगेड को काम करने दीजिए। हम यहाँ चाहेंगे पब्लिक से, हम जितने भी हमारे युवक हैं, जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि आप लोग पीछे हट जाइए, फायर ब्रिगेड को काम करने दीजिए। आग की लपटें लगातार बढ़ती जा रही है, एक के बाद एक डब्बे में आग की लपटें बढ़ रही है। तो हम आपको मधुबनी रेलवे स्टेशन से दिखा रहे हैं कि यहाँ मधुबनी रेलवे स्टेशन पर जो ट्रेन खड़ी थी उस ट्रेन में आग लगी है। यह ट्रेन स्वतंत्रता सेनानी है जो मधुबनी से जाने वाली थी दिल्ली की तरफ। तो ये ट्रेन यहाँ खड़ी ट्रेन जोर एकाएक अचानक कहे या किसी कारण से आग लगी है, इसका अता पता अभी नहीं चला है। लेकिन अब फायर ब्रिगेड काम करना शुरू कर दिया है। तो हम चाहेंगे कि पब्लिक आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज आप लोग हेल्प कीजिए, उनको थोड़ा पीछे हट जाइए। तो फायर ब्रिगेड अपना काम करना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड का ये जो काम है वो लगातार अब शुरू हो चुकी है। तो निश्चित रूप से आग पर काबू पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक ही फायर ब्रिगेड है, अधिक से अधिक फायर ब्रिगेड की जरूरत है। जहाँ आग की लपटें लगातार ट्रेन के डिब्बों में एक एक करके बढ़ती जा रही थी, तो वहीं अब फायर ब्रिगेड काम करना शुरू कर दिया है। बहुत ही आग की गर्मी है और धीरे धीरे लोगों को भी परेशान कर रहे हैं। थोड़ा पीछे हट जाइए, प्लीज आप लोग पीछे हट जाइए। अब देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर जो देखने वालों की तादाद है या इस ट्रेन के आग लगने के लिए जो इंजन है वो नहीं बल्कि बीच से आग लगी है। और किस कारण से लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है या क्या है, इसका कारण अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन आग की लपटें थोड़ा थोड़ा कम हो रही खोल दिया। तो फायर ब्रिगेड से आग्रह करेंगे कि आप लोग पीछे वाला इंजन को बजाइए, पीछे वाला चेन को ब्रेक कीजिए, चेन को आगे और पीछे दो जगह लगना चाहिए था, नहीं तो इसकी आग की लपटें आगे जा सकती है। बोगी में प्लीज हेल्प हेल्प हेल्प, आप लोग हेल्प कीजिए, थोड़ा पीछे हट जाइए, आप लोग काम करने में दिक्कत नहीं दीजिए प्लीज। तो हम आपका मिथिला दस्तक के माध्यम से मिथिलांचल की ये धरती मधुबनी से हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ जो रेलवे स्टेशन मधुबनी रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन पर खड़ी इंजन में आग लग गई है। हालांकि इसमें जान माल की क्षति नहीं बल्कि सरकारी संपत्ति जो हमारी भारतीय रेल है उसकी डब्बा जलकर खून हो रही है। तो हम इसको सीधा सीधा हाल दिखा रहे हैं, बहुत